ओके लेट्स स्टार्ट। सो कितने लोगों ने CS1 लास्ट टर्म में दिया था? रेज योर हैंड्स। मतलब ये सितंबर टर्म में बेसिकली। ठीक है, ओके गुड। तो जिन्होंने रिसेंटली CS1 दिया है इन द सितंबर टर्म, आपको आर बेसिक्स देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है? एंड जिन्होंने पिछले टर्म में दिया है, एंड इफ यू रिमेम्बर आर अ लिटिल बिट देन इट्स फाइन, इफ यू डोंट तो शुरू के दो तीन क्लासेस देख लेना। तो शुरू के दो तीन क्लासेस देखने से एक रिकैपिचुलेट हो जाएगा आर बेसिक्स। दो क्लासेस ऑलरेडी मैंने लाइव क्लास नेक्स्ट लास्ट वीक कंडक्ट किया था, तो आप लोग वो भी देख सकते हो। खाली उतना भी देखोगे तो हो जाएगा, ठीक है? सो एंड दो स्टूडेंट्स हु नेवर डिड आर प्रोग्रामिंग, तो उनके लिए ऑब्वियसली यू हैव टू सी द इंटायर बेसिक्स। चलो टुडे वी विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू चैप्टर। कितना चैप्टर्स है, कितना क्या है, क्विक जिस्ट ले लेते हैं। बट देर विल बी वन ओरिएंटेशन क्लास ऑफ CS2 व्हिच आई टुक लास्ट वीक, बिकॉज CS2 क्लासेस ए पीछे नहीं जाएगा। अंदर शिफ्ट क्योंकि मैंने ऑलरेडी CS1 के CS2 के क्लासेस लास्ट वीक स्टार्ट कर दिए थे। आई विल बी स्टार्टिंग विद अ इंटायरली न्यू टॉपिक, तो आप लोग को वैसा कुछ नहीं है। बट जो फर्स्ट ओरिएंटेशन का है मेरा क्लास, खाली वो आई विल अगेन सेंड इट ऑन कम्युनिटी। सब लोग कम्युनिटी पे होना, एक्चुएटर चैनल पे होना, व्हाट्सएप में। आई विल शेयर इट ओवर देयर। इट्स ऑलरेडी अपलोडेड ऑन द योर ऐप एप्लीकेशन एज वेल, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हो। इट्स अ हाफ एन आवर टू 40 मिनट सेशन, जहाँ पे मैंने क्विकली बताया है कि पूरे CS2 में आप लोग क्या पढ़ोगे। तो वो आज सब लोग देख लेना, खाली जस्ट टू अंडरस्टैंड, जस्ट टू गेट एन ओवरव्यू। ऑलराइट, सो आई विल नॉट बी गिविंग द इंटायर ओवरव्यू, जस्ट एक बेसिक मैं बता देती हूँ। सो वी हैव 21 चैप्टर्स इन टोटल इन CS2, ठीक है? 21 चैप्टर्स में से इसको मैं यूजुअली चार पार्ट में डिवाइड करती हूँ। वी विल बी स्टार्टिंग विद द सेकेंड पार्ट विच इज द सर्वाइवल मॉडल्स टूडे, विच इज चैप्टर 6 से चैप्टर 11। ऑल राइट, तो इन 21 चैप्टर्स में एक्चुअली CT4 जो पहले था सिलेबस में, एंड CT6 से लिया हुआ है, ठीक है? CT4 एंड CT6, CT6 का पूरा नहीं है, CT4 का पूरा फर्स्ट 11 चैप्टर्स ले लिया था इन्होंने। CT6 का खाली 1/3 पोर्शन बोल सकते हैं इन्होंने लिया अपने सिलेबस में। प्लस देयर वर 4 न्यू एडिशनल चैप्टर्स जो 2019 में इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है? नाउ ऑब्वियसली इट्स नॉट न्यू, पहले हम लोग न्यू चैप्टर्स बोलते थे, अब तो काफी टाइम हो गया उसको भी। सो व्हाट आई डू जनरली इज दैट आई विल बी स्टार्टिंग विद, आप लोग के साथ अभी आई विल बी स्टार्टिंग विद चैप्टर 6, ठीक है? चैप्टर 6 से लेके चैप्टर 9 एक पूरा बुकलेट है रिविजन नोट्स का आपका। उसके बाद चैप्टर नहीं, ये हो गया चैप्टर 8 रखते हैं इसको। चैप्टर 9 का एक बुकलेट है, 10 से 11 का एक बुकलेट है, ठीक है? ये आपका कवर हो जाता है यहाँ पे 3 बुकलेट्स। 3 बुकलेट्स मतलब समझते हो, 3 पार्ट्स इन योर रिविजन नोट्स। आपको रिविजन नोट्स मिल गया होगा बहुत लोगों को, बहुत लोगों को नहीं मिला है। तो रिविजन नोट्स के 3 पार्ट्स हम लोग यहाँ पे कवर करते हैं। दिस इज द सर्वाइवल मॉडल्स पार्ट, ठीक है? फिर होता है आपका चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 2, चैप्टर इनफैक्ट लेट्स मेक दिस 3। चैप्टर 1 अलग से भी इन्होंने दे रखा है। चैप्टर 1 एक है, चैप्टर 2 से 3 एक है, एंड चैप्टर 4 से 5 एक है। तो ये आपका मार्कोव चेन, मार्कोव जंप, स्टोकास्टिक मॉडल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका पार्ट है। हम लोग पेपर का नाम क्या है, पेपर का नाम क्या है? रिस्क मॉडलिंग एंड सर्वाइवल एनालिसिस। रिस्क मॉडलिंग, यू आर मॉडलिंग, यू आर मेकिंग डिफरेंट मॉडल्स। तो आप लोग पूरे CS2 में ना अलग अलग टाइप के मॉडल्स पढ़ने वाले हो बेसिकली, ठीक है? सर्वाइवल मॉडल्स इज व्हाट इज बेसिकली दिस जो हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग अलग मॉडल पढ़ेंगे विच इज स्टोकास्टिक मॉडल्स। ये हो गया, यहाँ पे आपके 3 पार्ट्स आ गए। देन यू हैव चैप्टर नंबर्स 12 इज अ न्यू चैप्टर, मोर्टैलिटी प्रोजेक्शन, विच इसको मैं यहीं पे इंक्लूड कर देती हूँ एक बार इसके साथ, अगर हम लोग इसको इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद चैप्टर 13 से 14 इज टाइम सीरीज, वन ऑफ द बिगेस्ट चैप्टर, जहाँ पे आपको 80 to 90 pages खाली नोट्स लिखना पड़ेगा। तो वन ऑफ द दोनों टाइम सीरीज 1, टाइम सीरीज 2 है फॉर CS2। आ जाओ, उसके बाद चैप्टर 15 इज योर
लॉस डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर 16 इज ईवीटी, तो ये दोनों साथ में, ईवीटी हम लोग साथ में पढ़ते हैं, ईवीटी इज एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरी। यहाँ बेसिकली ये जो चैप्टर्स है ना, यहाँ से ये चैप्टर ऑनवर्ड्स ये आप लोग को पूरा लगेगा CS1 का एक्सटेंशन है। जैसे CS1 में डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़े थे ना, अब हम लोग और आगे के डिस्ट्रीब्यूशन, परेटो, लॉग नॉर्मल, इनको डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोगों ने बेसिक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था, पॉइजन, पॉइजन हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पॉइजन प्रोसेस के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ेंगे हम लोग CS2 में, राइट। तो ये हो गया। फिर आपका चैप्टर 17 इज कॉपिलास, चैप्टर 18 19 ये आपका, ये वाला आप नहीं, 19 इज योर मशीन, 19 इज योर रिस्क मॉडल्स, 19 20 इज योर रिस्क मॉडल्स, एंड 21 इज मशीन लर्निंग। तो ये इंटायरली अनदर सेट ऑफ चैप्टर है मशीन लर्निंग। दिस इज योर रिस्क मॉडल्स, दिस इज योर री इंश्योरेंस, एंड दिस इज योर कॉपिलास। ठीक है, तो इतना अभी समझ में नहीं आएगा कि क्या क्या है, एक बार आप लोग वो ओवरव्यू का वीडियो सब लोग देखोगे, आई विल पुट इट इन द कम्युनिटी, सब लोग आपको आज देखना है। हम लोग इस पोर्शन से आज के लिए स्टार्ट करेंगे, आज स्टार्ट करें, दिस पोर्शन इज अ लिटिल लॉन्गर, तो आपको टाइम लगेगा। आज है आप लोगों का, मान लो सितंबर एंड होने वाला है, ठीक है, ऑलमोस्ट आज कल 2 दिन है, सो लेट्स नॉट टेक सितंबर इनटू अकाउंट, यू हैव अक्टूबर नवंबर 2 months full and you have December. My target is to finish the syllabus by December mid or December end. ठीक है, since most of you will be having your exams in between, तो मान लेते हैं December end. December में आप लोगों का exam रहेगा. Online students Delhi, Mumbai might have exams in December end, towards the December end. तो आप लोगों का December end तक मेरा target है syllabus completion का, so that you have good 3.5 months for revision. राइट, अभी बीच में वेकेशन आएंगे तो आप लोग ज्यादा ज्यादा लॉन्ग आवर्स पढ़ सकते हो। नाउ CS2 इज अ पेपर विच इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट, इट इज नॉट कंसिडर्ड, इट इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर्स इन द इंटायर 13 पेपर्स, इट्स मोर डिफिकल्ट देन CP1। वाई? बिकॉज CP1 में क्या है, CP1 पूरा थ्योरी है। ठीक है, अगर आप उसको मतलब आधे से भी कम टाइम दोगे, CS2 में जितना टाइम देना है उसका आधे से भी कम टाइम दोगे CP1 में, तो वो निकल जाएगा, क्योंकि CP1 इज नॉट अ पेपर यू कैन सिट विद 6-7 आवर्स, राइट। CM2 कॉन्सेप्चुअली इज डिफिकल्ट बट सिलेबस वाइज इट्स शॉर्टर, सो वहां पे अगर एक्सेल थोड़ा इजियर है उसमें, तो बाकी पेपर्स अगर आप किसी भी पेपर से कंपेयर करो, SP SA एनी पेपर, CS2 इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट पेपर्स। आई हैव स्टूडेंट्स जिनका CS2 इज द लास्ट एग्जाम, एज इन दे आर जस्ट अबाउट टू क्वालिफाई, CS2 उनका बच रहा है, खाली CS2 बच रहा है, दे हैव 10-15 ईयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, समझ रहे हो। तो ये इस लेवल का पेपर है। इफ यू कंप्लीट दिस पेपर विथ योर कॉलेज, दिस इज एक्चुअली वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट्स एंड माइल स्टोन यू विल अचीव इन योर एक्चुअल जर्नी, क्योंकि इतना हार्डवर्क आपको किसी और पेपर में नहीं करना पड़ेगा जितना CS2 में करना पड़ेगा। आई हैव अपियर्ड फॉर ऑल द पेपर्स, राइट। आप लोग बोलोगे मैम आपने CS2 नहीं दिया था, CT4 CT6 दिया था, बट मैंने CT4 एंड CT6 साथ में इकट्ठा दिया था। ठीक है, मेरे टाइम पे अब आप बोलोगे मैम आर प्रोग्रामिंग नहीं था, CT6 का जो सिलेबस था ना मेरे टाइम पे आपका 1/3 भी नहीं है, तो मैंने बहुत बड़ा सिलेबस पढ़ा है CT6 का, मैंने पूरा सिलेबस CT4 का साथ में सेप्टेम्बर अटेम्प्ट में दिया है, 4 महीने में पढ़ के। ठीक है, सो आई नो वॉट काइंड ऑफ हार्डवर्क आई हैव पुट इन एट दैट टाइम एंड द हार्डवर्क आई हैव पुट इन ऑल द अदर पेपर्स। सो CS2 इज दैट काइंड ऑफ पेपर। अगर आपको ये पेपर क्लियर करना है तो आपको मिनिमम एवरी डे 4-5 आवर्स पुट इन करना पड़ेगा। बींग अ कॉलेज स्टूडेंट 5 आवर्स निकालना इज नॉट अ बिग डील। इफ यू आर वर्किंग, एनी वन हु इज वर्किंग ओवर हियर, डेफिनेटली 3 आवर्स, उससे ज्यादा आप लोग नहीं दे पाते हो, बट ऑन द वीकेंड्स यू नीड टू कॉम्पेंसेट फॉर दैट, राइट। सो ये है। अब स्ट्रक्चर कैसे होगा क्लासेस का, अभी आपके मंडे टू सैटरडे क्लासेस हैं, 12:30 से वी आर स्टार्टिंग, 12:30 टू 2 o'clock क्लासेस होंगे हमारे, हो सकता है किसी दिन नहीं होगा, वील इन्फॉर्म यू अबाउट दैट। संडेज, दिस इज माय क्लास जो मैं बता रही हूँ, इंडस्ट्री एक्सपर्ट का नहीं बता रही हूँ, एंड संडेज को आई विल जस्ट कीप अ हाफ एन आवर टू 40 मिनट सेशन, जहाँ पे आई विल बी डिस्कसिंग द टारगेट्स कि कितना हुआ है, कितना बचा है, मेजरली फॉर ऑफिस स्टूडेंट्स एज वेल, तो वो अलग से होगा।
प्लस इंडस्ट्री एक्सपर्ट के सेशंस भी होंगे. वी आर नॉट स्टार्टिंग इट राइट अवे, बट वो पूरा अपडेट हो जाएगा आप लोग के डैशबोर्ड में, वो रेफर कर लेना. सो आई विल बी टेकिंग अप एंटायर पेपर एंड पेपर बी, बट वी हैव टू मोर मेंटर्स. गौरव सर, ही विल बी टेकिंग पेपर ए का डाउट्स, थोड़ा बहुत सम्स, एंड सिद्धार्थ सुंथलिया, इफ यू हैव स्टडीड सी एस वन विथ हिम, तो अभी उसने सी एस टू का भी पेपर भी थोड़ा बहुत. मेजरली वीडियोज आपको मेरा देखना है या मेरा लाइव क्लास ही करना है, बट वो मे बी आपको गाइड करेंगे या फिर कुछ क्लासेस वो भी सी एस टू पेपर बी में लेंगे. राइट, अंडरस्टूड. अब ये पेपर स्ट्रेट अवे जम्प है फ्रॉम सी एम वन एंड सी एस वन, लाइक इट्स अ वेरी बिग जम्प. तो अगर आप नहीं दे रहे हो वो, तो आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा सेप्टेम्बर टर्म के लिए. So please keep this in mind from day one itself that I have to put in a lot of hard work in this paper. And I have a lot of students jinhone first attempt mein clear kiya hai. If you see September 2021 wala jo term tha, usme 19% passing percentage tha. Only 19% students passed from IFOA, I'm talking about. Mere yahan se more than 65% students cleared. Kyun? Because unhone revision notes 3 times kiya tha. 3 times रिविजन नोट्स बनाया था मिनिमम. मेरे नोट्स गो थ्रू किए थे 4 to 5 times मिनिमम. सारे मटेरियल गो थ्रू किए थे एटलीस्ट 1 times. सारा बैक क्वेश्चंस किया था, सारा एक्स असाइनमेंट्स किया था, सब कुछ किया था, तब जाके दे कुड मैनेज टू क्लियर एंड देवर इन द टॉप 19%. अंडरस्टूड, दैट इज द काइंड ऑफ हार्डवर्क यू विल हैव टू पुट इन. इफ यू आर नॉट रेडी देन यू विल हैव टू अपियर इट फॉर इट अगेन इन सेप्टेम्बर. ठीक है, राइट, अंडरस्टूड. चलो, एंड इस पेपर में खाली इंटेलिजेंट होने से नहीं होगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा. मैंने देखा है इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को फेल होते हुए, मैंने देखा है नॉट वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को पास होते हुए इन देयर फर्स्ट अटेम्प्ट. गॉट इट? चलो, सो वी विल स्टार्ट विद चैप्टर 6. कैसे आगे बढ़ना है आई विल गाइड यू, डोंट वरी अबाउट दैट. आज के लिए स्टार्टिंग चैप्टर 6, और आज आपको वो घर जाके 30 to 40 minutes का जो मेरा वीडियो है, इट्स जस्ट एन ओरिएंटेशन. यू डोंट हैव टू सिट विद एनी पेन पेपर, यू जस्ट हैव टू लिसन टू व्हाट आई एम सेइंग. ऑलराइट, ठीक है. तो हाँ, टाइम बिल्कुल चेंज नहीं होगा, 1% टाइम चेंज नहीं होगा. तुम कॉलेज से आके यहाँ पे 1 घंटा बैठ के पढ़ो, 2 घंटा पढ़ो, क्या जाते हैं. तुम बोलेगा मैम जल्दी करो, फिर इवनिंग स्टूडेंट्स बोलेंगे मैम क्यों जल्दी कर रहे हो, इसीलिए हमने बीच का टाइमिंग रखा है. नोट्स कॉपी में कुछ सम्स मत करना. हाँ, ये पूछ रहे हो ना. नहीं 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 नहीं, कुछ कुछ जरूरत नहीं है. एक कॉपी मेंटेन करना है सबको, उसमें मेरे नोट्स आएंगे. एक्चुअली 2 copies लग जाएगा आप लोग को, तुम्हारा कॉपी चल जाएगा, तुम्हारा बहुत मोटा कॉपी है. तो एक कॉपी आपको नोट्स का अलग मेंटेन करना है, जिसमें खाली मेरे क्लास नोट्स जाएंगे और कुछ नहीं जाएगा. सम्स वगैरह सब दूसरे कॉपी में करना. क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये जो नोट्स कॉपी है, ठीक है, मेरा ये 2 copies जिसमें टाइम सीरीज नहीं है और बड़ा होता मतलब, तो ये कॉपी आपको काम आएगा फॉर योर एग्जाम रिविजन. एंड इसको पढ़ना है, मतलब ये कॉपी आप फेंकोगे नहीं जिंदगी भर कभी भी, क्योंकि आप इसको इतने मेहनत से बनाओगे. तो वो अलग से रखना, ठीक है. नोट्स, पेपर ए का नोट्स कॉपी पूरा ही अलग रखना, मेरा जो नोट्स कॉपी होगा. राइट, वो काफी काम आएगा, आप लोग को इंटरव्यूज में भी काफी काम आता है. और कुछ पूछना है किसी को, एनीथिंग? हाउ मेनी ऑफ यू हैव डन सी एम वन ओवर हियर, क्विकली रेज योर हैंड्स. सी एम वन एटलीस्ट स्टडीड, क्लियर नॉट क्लियर डजंट मैटर. मोस्ट ऑफ यू हैव डन एनी, तो उल्टा क्वेश्चन पूछना चाहिए था, किसने नहीं किया है. बाकी हैंड डाउन कर लो, किसने नहीं किया है सीएम वन, किसने नहीं किया है सीएम वन, किसने नहीं किया है? सबने, अच्छा सबने कर लिया है, वेरी गुड. तुम लोगों यहाँ पे कोई सबने कर लिया, कर रहे हो साथ साथ में अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अप्रैल 2023 वाला जो, अप्रैल 2024 वाला जो मेरा टर्म था, 10 students gave their CS1 CS2 together, first attempt cleared. So don't worry. चलो, तो टॉपिक का नाम दो. चैप्टर 6, सर्वाइवल मॉडल्स. सबसे पहले तो थोड़ा रिवीजन करते हैं जो CT5 का है. एक्चुअली CM1 का रिवीजन है, बेसिक सा. व्हाट्स अ लाइफ टेबल, कौन बताएगा, लिखो.
एक बार लिख लो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड, इतना याद नहीं करना है, बट एक बार लिख लो डेफिनेशन. अ कंप्यूटेशनल टूल, अ कंप्यूटेशनल टूल विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ह्यूमन मोर्टैलिटी बट फॉर अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ पीपल स्लैश ऑब्जर्वेशनल क्लास. सो बेसिकली इसमें क्या होता है, दैट वी स्टार्ट ऑफ विद अ सेट ऑफ पीपल. ये वाला दिख रहा है कलर? फॉर एग्जाम्पल वी स्टार्ट ऑफ विद 10,000 पीपल. ठीक है, इसको हम लोग नाम देते हैं एल एक्स. ठीक है, एल एक्स, व्हाट डू यू मीन बाय एल एक्स, लिख लो एक बार. एल एक्स एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ लाइव्स अलाइव एट एग्जैक्ट एज, अलाइव एट एग्जैक्ट एज एक्स, फुल स्टॉप. तो हम लोग क्या करते हैं, लेट्स सपोज ये एज एक्स मान लो 30 है, तो एट द एज ऑफ 30 वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद 10,000 पीपल. ऑलराइट, फिर हम लोग बोलते हैं कि 31 पे कितने बचे, 32 पे कितने बचे, 33 पे कितने बचे. ये होता है आपका पूरा लाइफ टेबल, जहाँ पे आपको एजेस दिए हुए होते हैं एक्स के वैल्यूज 30, 31, एंड जनरली वी हैव इंटीजर एजेस, एंड एल एक्स विच इज अ नंबर ऑफ पीपल एक्सपेक्टेड. वाई डू यू कॉल इट एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ पीपल? द रीजन बींग, जब हम लोग एक स्टडी करते हैं, ऑब्जर्वेशनल प्लान जो हमारा होता है, ग्रुप होता है, तो उसमें लैक्स ऑफ पीपल होते हैं. ठीक है, अब उस लैक्स ऑफ पीपल में से सम पीपल डाइड, राइट? तो हम लोग क्या निकालते हैं फिर, मान लेते हैं कि वी स्टार्टेड ऑफ विथ 1 लाख पीपल. ठीक है, लेट्स सपोज 99 पीपल डाइड. ऑलराइट, तो जो भी बच रहा है, जो भी बच रहा है, हम लोग क्या बोलेंगे, वी टेक आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हाउ मेनी पीपल डाइड. तो वो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हाउ मेनी पीपल डाइड है, वो उसको हम लोग बोलते हैं क्यू एक्स. ठीक है, व्हाट इज क्यू एक्स नाउ? क्यू एक्स इज बेसिकली द प्रोबेबिलिटी ऑफ पीपल डाइंग बिटवीन एजेस एक्स एंड एक्स प्लस वन, बिटवीन एजेस एक्स एंड एक्स प्लस वन. अब ये जो प्रोबेबिलिटी निकला, कितना निकलेगा, 99 बाय 1 लाख कितना हुआ, 0 पॉइंट, कितना बार जीरो लिखूं, ये हो गया. अब इसको आप मल्टीप्लाई, अब ये परसेंटेज या फिर ये रेशियो ऑफ पीपल है हु आर डाइंग बिटवीन एजेस एक्स एंड एक्स प्लस वन, मान लो 30 एंड 31. ठीक है, अब इसमें से हम लोग बोलेंगे कि हम लोग स्केल डाउन करते हैं जब हम लोग लाइफ टेबल बनाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आप मिलियंस ऑफ पीपल को मॉडल कर रहे हो साथ में, तो आप इतना बड़ा बड़ा फिगर्स तो डालोगे नहीं, आप स्केल डाउन करोगे, आप एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू लोगे. अब 10,000 में से कितने, अगर 10,000 होते तो कितने लोग मरते, 10,000 इंटू दिस तो कितना हुआ, कितने लोग मर रहे हैं, हाँ पॉइंट्स में बताओ. अगर 1 लाख में 99 पीपल आर डाइंग, तो 10,000 में कितने लोग मरेंगे, 9.9 पीपल आर डाइंग. यहां से वो रेशियो आते कि भाई आप लोग बोलोगे 9.9 लोग कैसे मर गए, 9.9 लोग नहीं मर रहे, दैट इज वाई द वर्ड एक्सपेक्टेड कम्स इन, राइट? क्योंकि हमने क्या किया, हमने स्केल डाउन किया सारे चीजों को, जहां 99 लोग मर रहे हैं, हमने उसको स्केल डाउन करके 9.9 किया. अब 9.9 किया है तो बचे कितने, 10,000 माइनस 9.9 कितना होता है, 0.1. दिस इज द रीजन व्हाई वी टेक इट, बिकॉज वी स्केल डाउन एंड दैट इज द वर्ड एक्सपेक्टेड. ठीक है, अब जितने लोग मर रहे हैं, विच इज 9.9, you call them as dx. लिखो dx, लिखो expected number of deaths between ages
एग्जैक्ट एजेस एक्स एंड एक्स प्लस वन, इन लोग कोई क्लास में नहीं आया आज। यशस्वी तुम क्लास में क्यों नहीं आई? मैम आज बाहर जाना था इसीलिए लेट हो गया था, अब से लेट जो भी जाती है कभी। स्टूडेंट्स कैलकटा के जो यहाँ नहीं आएंगे और वो फिर आके बोलेंगे मैम टाइमिंग चेंज करिए, उनके लिए तो बिल्कुल मतलब क्लास में घुसने ही नहीं मिलेगा उनको। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, एक्स एन एक्स प्लस वन लिख लिया हम लोग। नेक्स्ट टी, अब ये जो हम लोग ने लिखा क्यू एक्स, इसको जनरली हम लोग वन क्यू एक्स लिखते हैं, मतलब एक्स और एक्स प्लस वन के बीच में कितने लोग मर रहे हैं। आप इसको टी क्यू एक्स भी लिख सकते हो। टी क्यू एक्स लिखो। टी क्यू एक्स इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ लाइफ। एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी बोल के कुछ होता है क्या? नहीं नहीं राइट, क्या मीनिंग है भाई एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी का, कोई सेंस ही नहीं बन रहा है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी दैट अ लाइफ करेंटली एज्ड एक्स विल बी डेड एट एज एक्स प्लस टी, विल बी डेड एट एज एक्स प्लस टी। यहीं से नेक्स्ट आता है टीपी एक्स, जैसे क्यू एक्स है वैसे टीपी एक्स है। प्रोबेबिलिटी दैट अ लाइफ करेंटली एज्ड एक्स विल बी अलाइव एट एज एक्स प्लस टी, एट एज एक्स प्लस टी। तो इसका क्या मीनिंग है कि वो नेक्स्ट, अगर अभी वो अलाइव है एट एज एक्स पे, एक्स प्लस टी पे भी अलाइव है, तो वो टी और उसके लिए अलाइव रहा बेसिकली, ये भी एक तरीके से बोल सकते हैं। तो मान लेते हैं आई विल गिव यू रैंडमली अ फ्यू वैल्यूज ओवर हियर। ठीक है, सो नाउ टेल मी व्हाट इज 2p30, व्हाट इज 2p30 कैसे निकालेंगे? हाउ मेनी लाइव्स वर अलाइव एट एज 30, मतलब L30, मतलब कितना हुआ 10,000। आउट ऑफ दैट हाउ मेनी आर स्टिल अलाइव आफ्टर 2 years, विच इज एट L32। ठीक है, विच इज हाउ मच, 0.87 इज अ प्रोबेबिलिटी, गॉट इट। ठीक है ना, तो L32/L30 ऐसे करके निकालते हैं। अब वही मैं पूछती 2Q30, मतलब L30 एंड यहाँ पे कितने लोग मर गए, कितने लोग मर गए ऐसे लिख सकते हैं, D30 + D31। D30 इज अ नंबर ऑफ पीपल डाइंग बिटवीन 30 एंड 31, 31 इज नंबर ऑफ पीपल डाइंग बिटवीन 31 एंड 32। तो 2 साल कितने लोग मरे डिवाइडेड बाय टोटल कितने लोग जिंदा थे। दिस इज सेम एज 1 + 2p30 करके देख लो, वैल्यूज बैठा के सेम आएगा। सो व्हाट आर वी सेइंग एक्चुअली इज दैट TPx + TQx = 1। यस वी आर सेइंग दिस, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, कॉपी कर लो। अब यहाँ पे ना हम लोग दो चीज बोलते हैं, या तो जिंदा रहेगा या तो मर जाएगा, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्या मतलब है कि या तो जिंदा या अलाइव है, दोनों नहीं रह सकता साथ में, इसीलिए एक्सक्लूसिव। एग्जॉस्टिव मतलब खाली यही दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, तो इसीलिए =1 ऐड करके। अब हम लोग पढ़ेंगे CS2 में और भी स्टेट्स पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो हम लोग बाद में एडिशन करेंगे। गॉट इट। नेक्स्ट लिखो, यहाँ तक क्लियर है सबको? नेक्स्ट लिखो कैपिटल टी एक्स, पढ़ा था। कंप्लीट फ्यूचर लिखना, कंप्लीट फ्यूचर लाइफ टाइम। भाई तुम अगर ऐसे नोट्स बनाएगा इतना कंजूसी करके तो मेरे से एक कॉपी ले लेना, एक एक लाइन तो छोड़ो बीच में, इसको पढ़ना है दोबारा 6 महीने बाद। कैपिटल टी एक्स मतलब 6 महीने बाद, मतलब अप्रैल टर्म में ही पढ़ेगा वो, सितंबर के लिए नहीं पढ़ेगा। कंप्लीट फ्यूचर लाइफ टाइम रैंडम वेरिएबल
ऑफर लाइफ करंटली एज्ड एक्स. एक बार के एक्स भी लिख लो फिर मैं साथ में समझाऊंगी. कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख सकते हो, कैपिटल लिख दो. कर टेट CURTATE कर टेट फ्यूचर लाइफ टाइम रैंडम वेरिएबल. ऑफ अ लाइफ करंटली एज्ड एक्स. ठीक है, बेसिकली क्या होता है, मान लो अभी एक लाइफ है जिसका एज एक्स है, या मान लेते हैं 25 एग्जैक्ट. आज मैंने अपना 25th बर्थडे बनाया, नेक्स्ट में एग्जैक्टली व्हेन विल आई डाई. फॉर एग्जांपल आई एम डाइंग एट द एज ऑफ 71. 71 बर्थडे बना लिया मैंने, उसके बाद आई एम लिविंग फॉर अनदर लेट्स सपोज 2 मंथ्स. ठीक है, तो 71 पॉइंट समथिंग आएगा, 0.2 नहीं होगा, 2/12 होगा. ठीक है, तो पॉइंट समथिंग आएगा, करेक्ट है. तो एग्जैक्टली आफ्टर एज एक्स हाउ मेनी एग्जैक्ट टाइम दैट आई हैव लिव्ड फॉर, हाउ मेनी इयर्स आई हैव एग्जैक्टली लिव्ड फॉर विल बी समवेयर अप्रोक्सीमेटली 71 - 25 कितना होता है, 46 पॉइंट समथिंग. दैट इज द, मान लो यहाँ पे 3 2 लिख देते हैं, 3 2 दिस इज द एग्जैक्ट नंबर ऑफ इयर्स आई हैव लिव्ड फॉर, दैट इज योर टी एक्स. सो हम लोग टी 25 क्या बोलेंगे, 46.32. गॉट इट. अब केएक्स होता है कितने बर्थडेज मैंने सेलिब्रेट किए. ये हो गया एक तरीके से मरते दम तक, मरते दम तक कितना आपने जिया है. ये हो गया नंबर ऑफ बर्थडेज या नंबर ऑफ केक्स दैट हैव कट. ठीक है, तो एक्स मेरा जो एज है 25 से लेके मैंने कितने केक्स कहाँ तक काटे, 71 तक. तो माई के 25 इज 46. तो कैन वी से दैट के 25 इज बॉक्स फंक्शन ऑफ टी 25. के एक्स इज अ बॉक्स फंक्शन ऑफ टी एक्स. बॉक्स फंक्शन यूजली होता है लोएस्ट इंटीजर फंक्शन, मतलब कुछ भी वैल्यू डालो उसका लोएस्ट इंटीजर. फॉर एग्जाम्पल आई लिव फॉर 65.33. तो मैंने कितना बर्थडे मतलब कितना केक्स कब तक काटा होगा, 65 है ना. तो ये बॉक्स फंक्शन लगाने से 65 हो जाएगा. गॉट इट, देख लो. ठीक है, क्लियर है. टी एक्स और के एक्स क्या होता है, टी एक्स इज कंप्लीट, इट्स कंटिन्यूअस वेरिएबल बोल सकते हो, वेरास कर्टेट इज डिस्क्रीट. कर्टेट फ्यूचर लाइफ टाइम, इट्स डिस्क्रीट. नेक्स्ट कुछ जनरल हम लोग कर लेते हैं, इनके वैल्यूज बताना सब लोग. ठीक है, जीरो पी एक्स का मतलब क्या है, एक्स और का इंसान जीरो टाइम पे तक जिंदा रहेगा. जीरो है मतलब अभी के अभी, तो जिंदा तो रहेगा ही, वन सर्टेन प्रोबेबिलिटी है. जीरो क्यू एक्स का मतलब एक्स और का इंसान है एकदम तुरंत तुरंत मर जाएगा. तुरंत मतलब अभी, एक्स एक्स प्लस जीरो, नथिंग, नो डेसिमल, नथिंग. तो ये तो जीरो है ना, इसका प्रोबेबिलिटी अभी अलाइव में हो एकदम इंस्टेंट, डेड में नहीं जा सकते अपने. इंफिनिटी पी एक्स मतलब एक्स और इंफिनिटी तक हम लोग जिंदा है, पॉसिबल है. हम लोग हनुमान जी तो नहीं है, तो ये जीरो ओनली पॉसिबल फॉर हनुमान जी. ठीक है, और किसके लिए है देखो, अब अलग वो माइथोलॉजी सिखा रही है. हमने हमने हनुमान जी को पढ़ा है तो हम हनुमान जी को मानते हैं भाई. ठीक है, और वो देख के आइए, काल की कल की जो मूवी आया था वो देख के आइए. वो इन्फिनिटी क्यू एक्स मतलब एक्स का इंसान है कभी ना कभी मरेगा, हम हनुमान जी नहीं है, है ना. गॉट इट, तो लिख लो फटाफट. कोई कैमरा ऑन नहीं किया, कोई एक इंसान कैमरा ऑन नहीं किया है. फर्स्ट क्लास है, एक इंसान कैमरा ऑन नहीं किया है. जो फर्स्ट कैमरा ऑन करेगा उसको प्राइज मिलेगा.
वेरी गुड. देखो प्रियांशी का तुरंत ऑन हो गया. अब हम लोग ना यूजुअली वी डोंट राइट इन्फिनिटी. यू विल सी द टेबल बुक, जैसे ELT 15 टेबल बुक आप लोगों ने अगर CM1 में पढ़ा है. ELT 15 वॉज आई थिंक फॉर योर 1990 to 92, मतलब इन्होंने 2 साल का स्टडी किया था. इंग्लिश लाइफ टेबल बोलते हैं इसको. तो इंग्लैंड के लोगों पे इन्होंने 1990 से 1992 के लोगों पे स्टडी करके टेबल बनाया. ये था ELT 15 जो आपके टेबल बुक में है. अभी टेबल बुक में आया नहीं है, बट ELT 17 भी आ चुका है, विच इज बेसिकली आई थिंक 2010 12 के लोगों पे. अगेन आई थिंक 2021 पे भी निकला है, बट ये सब आया नहीं है टेबल बुक में. यू हैव दिस वन. सिमिलरली यू हैव AM 92 टेबल्स, दैट इज फॉर साथ में. ELT 15 फॉर मेल्स फीमेल्स अलग अलग. ठीक है, तो ये जो टेबल्स हैं इसमें आप किसी को भी इंफिनिटी तक जिंदा नहीं देखोगे, है ना. देर इज अ लिमिट, 120 100, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओमेगा. ठीक है, ओमेगा का मतलब है कि हम लोग बोल रहे हैं दिस इज द मैक्सिमम लाइफ टाइम. लिमिटिंग एज, या तो इसको आप लोग लिमिटिंग एज बोल सकते हो, विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल. इफ यू गो टू जापान, देयर ऑब्वियसली द लॉन्गेस्ट, फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग मान रहे हैं अभी लिमिटिंग एज इज 120, बट एक लेडी है शी लिव्ड फॉर 125 ईयर्स, सो यू माइट इंक्रीज द लिमिटिंग एज नाउ टू 130. ठीक है, तो वैसे हम लोग लिमिटिंग एज सेट करते हैं एंड विथ एक्सपीरियंस वी चेंज इट. व्हेन आई से एक्सपीरियंस, कि जैसे जैसे हमें रियलिटी आते जाता है, एक्चुअल चीजें होती जाती है, वो हम लोग अपना चेंज करते जाते हैं. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल फ्रांस में देर वॉज अ लेडी जो 122 123 ईयर्स तक शी वॉज अलाइव, तो उन्होंने फिर अपना उसको 130 125 कर दिया था. सो दिस इज हाउ यू डील विथ ओमेगा. एंड जनरली यू विल सी वी राइट ओमेगा पी एक्स विच इज 0, ओमेगा क्यू एक्स विच इज 1. ओमेगा ना बहुत लोग ऐसे भी करके लिखते हैं, मैं W लिख देती हूँ. गॉट इट. नेक्स्ट आ जाओ. नेक्स्ट अगर हम लोग ऐसे बोल रहे हैं, अच्छा हमने टी के बारे में पढ़ा. टी या फिर T0 इज बेसिकली कंप्लीट फ्यूचर लाइफ टाइम रैंडम वेरिएबल ऑफ अ लाइफ करंटली एज्ड 0 और अ न्यू बॉर्न बेबी, कि भाई अभी जो बच्चा पैदा हुआ है उसका क्या फ्यूचर लाइफ टाइम आप होगा बताओ, राइट. तो सिमिलरली अच्छा ये जो ओमेगा वाला कॉन्सेप्ट है, इसी को लेके अगर मैं 2 3 चीजें आप लोगों को लिखाऊं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेइंग ओमेगा पी एक्स इज 0, ओमेगा क्यू एक्स इज 1. इफ आई राइट इट लाइक दिस, ओमेगा माइनस एक्स पी एक्स, ये होना चाहिए आइडियली, क्योंकि ओमेगा इज द लिमिटिंग एज. ओमेगा इज 120, तो अगर अभी कोई 25 का है, मान लो ओमेगा इज 120 एंड एक्स इज 25, अभी कोई 25 का है, तो आप उसको और नेक्स्ट 120 ईयर्स थोड़ी देखोगे. आप 120 माइनस 25 नेक्स्ट देखोगे ना. दैट इज वाई वी राइट ओमेगा माइनस एक्स पी एक्स. इंस्टेड ऑफ राइटिंग 120 P 25, वी आर एक्चुअली राइटिंग 101 नहीं 105 P 25. अभी कोई 25 का, 105 मैंने गलत लिख दिया, 95 लिखना चाहिए था. 95 P 25, 25 का ईयर का इंसान है, उसको नेक्स्ट 95 देखोगे तब तो वो 120 पहुंचेगा. सो दिस इज द करेक्ट अप्रोच ऑफ राइटिंग. गॉट इट, क्यू मैंने ओमेगा माइनस एक्स लिखा है. हाँ, इसीलिए ये गलत है, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा, वही चीज दिखाने की होना चाहिए. या तो अगर आप ओमेगा लिखोगे तो ओमेगा पी 0 होना चाहिए, वही चीज मैंने समझाया. गॉट इट. तो ये चीज है. अब टी क्या हो गया, टी इज अ फ्यूचर लाइफ टाइम एक न्यू बॉर्न. तो एक न्यू बॉर्न आइडियली ये होना चाहिए इक्वेशन उसका, न्यू बॉर्न का 0 से ज्यादा और ओमेगा से कम इज द फ्यूचर लाइफ टाइम जो वो रहेगा. ये हम लोग का बाई डेफिनेशन है कि ओमेगा इज द हाइएस्ट एज द पर्सन कैन अचीव, राइट. क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं ना उस तक कोई नहीं पहुंच सकता. ओमेगा इज एक्टिंग लाइक अ इन्फिनिटी ओवर हियर. ठीक है, दैट्स द लिमिटिंग एज, मैक्सिमम एज. इसीलिए कोई पहुंच जाते ही और एक्सपीरियंस चेंजेस, बट दैट इज व्हाट योर लाइफ टेबल सजेस्ट, कि वहां तक कोई नहीं पहुंच रहा, राइट. तो यहाँ तक हो गया.
नाउ लेट्स टॉक अबाउट TX वाला जो हमने लिखा है ना, उसको थोड़ा और इलैबोरेट करते हैं. सो व्हाट आर वी सेइंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ TX, TX इज व्हाट, कंप्लीट फ्यूचर लाइफ टाइम ऑफ अ पर्सन एज्ड X राइट नाउ, इफ दैट इज लेस देन इक्वल टू T, दिस इज इक्वल टू TQX. इसका क्या मतलब हुआ समझो, व्हाट आई एम सेइंग, अ पर्सन एज्ड X राइट नाउ, उसका फ्यूचर लाइफ टाइम, अभी कोई एक्स ईयर्स का है, उसका फ्यूचर लाइफ टाइम ये जो है वो टी से कम होगा. मतलब ये एक्स प्लस टी हो रहा है, टी इज नंबर ऑफ योर्स द पर्सन विल. तो ये हम बोल रहे हैं कि टी एक्स जो है इस टी से, मतलब नेक्स्ट टी ईयर्स से कम होगा. इसका क्या मतलब है कि वो नेक्स्ट टी ईयर्स में मर जाएगा, तो इसीलिए टी क्यू एक्स लिखा मैंने. सही है, यस और नो, देख लो ये क्लियर है कि क्यों टी क्यू एक्स लिखा. एनी डाउट इन दिस, राइट? नाउ इफ आई मेक इट लाइक दिस, प्रोबेबिलिटी टी एक्स ग्रेटर देन टी, मतलब कि हम लोग बोल रहे हैं कम, अभी का लाइफ एक्स योर्स का जो लाइफ है, उसका जो नेक्स्ट लाइफ टाइम फ्यूचर लाइफ TPX बोल सकते हैं, नहीं इक्वल्स टू लिख सकते हैं, बट यूजुअली वी डोंट राइट बिकॉज़ तुम अगर इक्वल्स टू लिख रहा है, इसका मतलब T और ही उसके आगे नहीं, बट हम अगर T ग्रेटर देन लिख रहे हैं तो ही तुम TPX लिख सकते हैं. अगर तुम इक्वल्स टू लिखे उसमें एक कंडीशन आएगा कि T और तक वाला भी कंडीशन आ जाएगा, वो मेरे को नहीं लेना है इसमें, ठीक है? तो एक तरीके से ये CDF हो गया ना, CDF is what? Probability X less than equals to X. तो ये TX का CDF हो गया. और एक सेकेंड, और ये एक तरीके से 1 minus CDF हो गया. हाँ कि ना, CDF क्या होता है भाई, X less than equals to X ना. तो ये TX का CDF हो गया ना, TX का बोलो अब. हाँ बट नहीं एग्जैक्ट वो, फिर एक और चीज आ जाएगा इसमें, बट आप बोल रहे हो ग्रेटर देन, तो वो मिनिमम इतना तो जिया ही टीपीएक्स. अगर तुम इसमें टी इंक्लूड कर देते हो तो देर इज नो हार्म, बिकॉज इट्स अ कंटेनर डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल्स टू वाला चीज डजंट अफेक्ट योर प्रोबेबिलिटीज, राइट? बट आइडियली वी डोंट, बिकॉज अगर हम लोग ये करते हैं तो इसका मीनिंग ये हो जाता है कि तुम टीयर्स वाला भी इसमें इंक्लूड करो, बट टीयर्स वाला तो आई एम इंक्लूडिंग ऊपर में ना, कि टी या टी से कम में मर जाएगा, तो टी क्यू एक्स. अगर तुम इसमें टी इंक्लूड कर रहे हो तो इसमें एक एडिशनल चीज आ जाएगा कि टीयर्स तक ही जिंदा है या फिर उससे ज्यादा भी जिंदा है, करेक्ट? तो वो चीज हम लोग नहीं लेते, ग्रेटर देन. Now, ये चीज हो गया. अब सिमिलरली कैन यू से व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी टी लेस देन इक्वल्स टू टी एंड प्रोबेबिलिटी टी ग्रेटर देन टी. प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू टी, टी जीरो हो गया एक तरीके से, मैंने यहाँ पे लिखा ना टी, तो ये क्या हो गया एक न्यू बॉर्न बेबी का, तो ये हम लोग क्या बोलेंगे, टी क्यू जीरो टी पी जीरो. तो ये क्या है, एक तरीके से आप ऐसे लिख सकते हो, ये एक तरीके से फंक्शन ऑफ सीडीएफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टीएक्स है. यहां ना यूजुअली ऐसे टीएक्स नहीं लिखते हम लोग, ऐसे स्ट्रेट अवे एक्स लिख देते हैं. सिमिलरली एस एक्स टी होता है, ये आप लोग नया पढ़ रहे हो, which is survival, this is distribution or CDF of TX, this is likhna survival function. बहुत जगह इसको SUR भी लिखते हैं खाली. SXT is nothing but 1 minus FXT, 1 minus CDF. ठीक है,
नेक्स्ट आ जाओ, डिफरेंस करते हैं बिटवीन टू रेट्स, ठीक है? एक हम लोग करेंगे इनिशियल रेट ऑफ मोर्टैलिटी, आपको भी ऐसे बनाना है, मैं ऐसे हैंड राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, मेरे से ज्यादा आपको लिखना है, मेरा एग्जाम क्लियर्ड है विद वेरी गुड मार्क्स। तनीषा तुम क्लास में क्यों नहीं आई? फिजिकल? मैम सिलीगुड़ी सिलीगुड़ी शिफ्ट हो गया है, कोलकाता ठीक है, छोड़कर। ठीक है। तब बाकी लोग कैमरा ऑन करो अपना, फर्स्ट क्लास में तो ऑन कर लो यार, सच्ची में इतना टैंट्रम्स है तुम लोग को, तुम लोगों को कोई नहीं देख रहा, सब मेरे को देख रहे हैं, इतना कॉन्शियस में तो नो वन इज सीइंग कि कौन है श्रेया पसारी, कौन है हेमंत जैन, कौन है देवांश गुप्ता, तुम लोग का फेस कोई नहीं घूर रहा इधर। चलो, सो क्यू एक्स आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है? क्यू एक्स इज, अगर हम लोग ना सिर्फ कहीं कहीं मोर्टैलिटी लिखा रहता है, मोर्टैलिटी रेट लिखा रहेगा, तो बेसिकली यू आर टॉकिंग अबाउट क्यू एक्स। एक्सप्लिसिटली अगर हम लोग एम एक्स, ये एम एक्स लिखा है मैंने, स्मॉल एम एक्स आप लोग लिख सकते हो, तो उसको हम लोग एक्सप्लिसिटली बोलेंगे सेंट्रल रेट ऑफ मोर्टैलिटी, ये चीज हम लोग एक्सप्लिसिटली बोलेंगे। ये मोर और लेस पूरे CS2 में खाली इसी चैप्टर में आई थिंक काम आएगा आपको, और कहीं उतना ज्यादा काम आता नहीं है, ठीक है? तो यहाँ सबसे फर्स्ट अगर हम लोग लिखना स्टार्ट करें क्विकली, राइट, क्यू एक्स इज कॉल्ड इनिशियल रेट ऑफ मोर्टैलिटी बिकॉज इट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ लाइफ अलाइव एट एग्जैक्ट एज एक्स डाइज बिफोर एक्स प्लस वन। ठीक है, इसमें लिखो सेंट्रल रेट ऑफ मोर्टैलिटी एम एक्स के लिए लिखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बिटवीन एग्जैक्ट एजेस एक्स एक्स प्लस वन बिटवीन एग्जैक्ट एजेस एक्स एंड एक्स प्लस वन पर पर्सन ईयर लिव्ड बिटवीन एग्जैक्ट एजेस, लिव्ड बिटवीन एग्जैक्ट एजेस एक्स एंड एक्स प्लस वन। ठीक है, तो इसका मीनिंग समझ लो एक बार। सो बेसिकली क्यू एक्स इज वॉट, ये फॉर्मूला में भी आप लोग लिख सकते हो एज अ 0.2 में भी, क्यू एक्स इज डी हाँ डी एक्स बाय एल एक्स, 1 ईयर वाला लिख रहे हैं हम लोग, अब एम एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 0 से 1 इंटीग्रेट कर रहे हैं, टी पी एक्स म्यू एक्स प्लस टी डी टी को डिवाइडेड बाय 0 से 1 टी पी एक्स डी टी।
तो इसका मीनिंग समझो, आराम से समझेंगे, ठीक है? बेसिकली टीपीएक्स क्या है, डिनोमिनेटर समझते हैं पहले। टीपीएक्स इज व्हाट? प्रोबेबिलिटी एक्स का इंसान नेक्स्ट ईयर्स तक जिंदा रहेगा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू ओवर हियर इज आई एम ट्राइंग टू इंटीग्रेट टी, क्योंकि मैंने डीटी लिखा है, फ्रॉम 0 to 1। मतलब एक एक्स ईयर का इंसान है, एक एक्स ईयर का इंसान है, एक्स प्लस वन कर देते हैं इसे, ठीक है? टीपीएक्स, टी इज एनी वैल्यू बिटवीन 0 to 1, क्योंकि आप 0 to 1 इंटीग्रेट कर रहे हो, इतना आप समझते हो, है ना? तो आप 0 to 1 इंटीग्रेट कर रहे हो, मतलब 0 to 1 टीपीएक्स का क्या अलग अलग वैल्यूज हो सकते हैं? 0 to 1 तो इनफाइनाइट वैल्यूज होंगे टीपीएक्स के। तो आप क्या ले रहे हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ पर्सन एज एक्स लिविंग बिटवीन 0 से 1 के बीच में, हर एक मतलब एक्स से एक्स प्लस वन के बीच में हर एक पॉसिबिलिटीज जो है उनको आप एक तरीके से ऐड कर रहे हो, इंटीग्रेशन मतलब एडिंग इट अप। गॉट इट? गॉट इट, ठीक है? तो ये आप कर रहे हो एक्स से एक्स प्लस वन, ये आपका डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर इज वॉट? ऑल द पॉसिबिलिटीज ऑफ अ पर्सन एज्ड एक्स लिविंग बिटवीन एक्स एंड एक्स प्लस वन, यू आर एडिंग ऑल दैट पॉसिबिलिटीज। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड और नॉट? डिनोमिनेटर समझ आ गया, न्यूमरेटर समझो। न्यूमर सो यू कैन राइट दिस डाउन, थोड़ा एक दो लाइन छोड़ के लिखना, ये फॉर्मूला एंड ऑल का 2-3 लाइन छोड़ के लिखो। द डिनोमिनेटर इज इंटरप्रिटेड एज एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट अलाइव बिटवीन एजेस एक्स एंड एक्स प्लस वन, द डिनोमिनेटर इज इंटरप्रिटेड एज द एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट अलाइव बिटवीन एजेस एक्स एंड एक्स प्लस वन, बाय अलाइव एट एग्जैक्ट एज एस एक्स, बाय अलाइव अलाइव एट एग्जैक्ट एज एक्स। कौन सा पार्ट रिपीट करना है तनीषा एंड मानवी? मैम इनिशियल रेट ऑफ मोर्टेलिटी का जो आप डेफिनेशन बता रहे हैं। QX is called initial rate of mortality because it is probability of a life alive at age x dying before x plus 1. सेंट्रल का क्लियर है मानवी? विच पार्ट? नो मैम इट्स डन। क्लियर? तो ये हो गया आपका डिनोमिनेटर की एक्स का इंसान एक्स प्लस वन के बीच तक सारे एक्सपेक्टेड वैल्यूज को आप ऐड करो। नाउ लेट्स इंटरप्रेट द न्यूमरेटर। अब न्यूमरेटर में हम लोग क्या बोल रहे हैं? टीपीएक्स अगेन 0 से 1 के बीच में वी आर इंटीग्रेटिंग TPX into mu x plus t. Now, those who don't know mu x plus t is basically the instant force of mortality. मतलब mu x plus t का मतलब होता है x plus t का इंसान, x plus t years का इंसान उस समय तुरंत मर जाएगा, उसका क्या रेट है? It's a rate. It's not a probability. It's a rate. Why it's not a प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इज डायमेंशन लेस, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर कुछ नहीं होता उसमें, ठीक है? म्यू एक्स प्लस टी इज अ रेट, मतलब उसका डायमेंशन है। डायमेंशन म्यू एक्स प्लस टी का क्या है? टाइम इनवर्स, उसमें बाद में आएंगे। तो व्हाट वी आर सेइंग इज, मान लो यहाँ तक वो आदमी जिंदा था, दिस इज द वैल्यू ऑफ टी, तो ये हो गया आपका टी पी एक्स, एंड इस टाइम पे जाते ही वो उसका एज क्या एक्स प्लस टी, इस पे वो मर गया तुरंत, ऐसे फोर्स ऑफ मोर्टैलिटी आया वो मर गया। तो TPX into mu x plus t is basically what? Probability कि एक तरीके से एक्स का इंसान t years तक जिंदा रहा, फिर वो मर गया उस समय, and again you are adding it up for all the different possible values of t between 0 to 1. That is what you are doing. Got it? So ideally, if you just put like if you simplify it,
if you simplify it, the numerator is nothing but qx. If you simplify it, मतलब qx is what? x का इंसान next one year में मर जाएगा. आप यहाँ पे वही कर रहे हो, but you are, ये one of the possibilities है. यहाँ पे आप सारे possibilities of को add कर रहे हो, ठीक है? Divided by आपका ये हम एक बार same ही रखते हैं denominator, 0 से 1 tpx dt. तो लिखो इसके नीचे लिखना, न्यूमरेटर इज द प्रोबेबिलिटी, न्यूमरेटर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट लाइफ डाइंग बिटवीन एग्जैक्ट एजेस x and x plus 1, ठीक है? तो अब डेफिनेशन रीड करते हैं, क्या लिखा था हमने mx के लिए. प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बिटवीन एग्जैक्ट एजेस x एंड x प्लस 1 पर पर्सन ईयर lived between exact ages x and x plus 1 per person year का क्या मतलब हो रहा है यहाँ पे? Denominator में हम लोग क्या कर रहे हैं, किससे divide कर रहे हैं? कि given the person was alive for tpx another t years, probability that he died at time t, that is what you are conditional हो गया एक तरीके से. So एक इसका और दूसरा approach होता है tpx का, मतलब mx का dx by capital Lx लिखना. क्यों? क्योंकि इसका मीनिंग होता है 0 से 1 आप Lx plus t dt कर रहे हो. एक तरीके से क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने qx by ये लिखा है ना tpx, qx is what dx by lx, tpx is what lx plus t by lx, तो lx lx कट गया ऊपर नीचे, है कि ना? ऊपर में ये होता है आपका dx by lx small lx, ये आपका नीचे भी tp t नहीं lx plus t by Lx है, ये दोनों कैंसिल हो गया क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ टी ए बाहर आ जाएगा, कैंसिल हो गया, तो ये बचा. इसको हम लोग लिखते हैं से कैपिटल Lx है, विच बेसिकली मींस इंटीग्रेटिंग Lx प्लस टी बिटवीन 0 टू 1, ऑल द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ लाइव्स अलाइव बिटवीन एजेस 0 टू या x टू x प्लस 1. गॉट इट? कहीं पे डाउट है तो पूछ लेना, ठीक है? यस हेमंत, आवाज नहीं आ रहा तुम्हारा, बाकी लोग को आ रहा है क्या? नहीं, किसी को नहीं आ रहा है. टाइप कर दिया तो चैट बॉक्स में. इसी का कंटिन्यूएशन कर रहे हैं, ठीक है? हैंड राइटिंग प्रैक्टिस नहीं कर रहे, लिखो, बैठ के आराम कर रहे हैं, मतलब वरना हाफ आस का क्लास है तुम लोग का खाली, उसमें भी तुम लोग मुंह बना रखे हो. संडे का प्लान खराब हो गया ना आदित्य का, है ना? समझ आ रहा है. यशवी तो आई नहीं क्योंकि उसको ऑलरेडी कहीं जाना था, वो रेडी होके बैठ गई क्लास करने, तो वो जैसे ही क्लास खत्म होगा वो चली जाएगी. मतलब चलो देखो, तो अब अगर इस केस में मेरे को qx निकालना है, तो qx कैसे निकलते हैं? dx by
एलएक्स डीएक्स इज बेसिकली नंबर ऑफ पीपल डाइंग बिटवीन एक्स एंड एक्सप्रेस वन, ये एक्स प्लस हाफ है मिडवे, तो आप कितना लिखोगे यहाँ पे, कितने लोग मर गए एक्स एंड एक्सप्रेस वन के बीच में? 1000 लोगों से आपने स्टार्ट किया था, डिनोमिनेटर में हम लोग प्रोबेबिलिटी इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो वो एक्सपेक्टेड टाइम स्पेंट अलाइव कैसे हुआ? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया तुमने हेमंत, ये वाला जो डिनोमिनेटर में हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं दैट इज प्रोबेबिलिटी को यू आर इंटीग्रेटिंग, है ना? यस और नो? तो जब तुम प्रोबेबिलिटी को इंटीग्रेट या ऐड करते हो ना, यू आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेशन, ठीक है ना? यू आर एक्चुअली कैलकुलेटिंग एक्सपेक्टेशन. नाउ एक्सपेक्टेड टाइम स्पेंट अलाइव का एक्चुअल में मीनिंग ये है कि तुम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो एक तरीके से, एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी, नॉट टाइम बट एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी ऑफ स्टेइंग अलाइव बिटवीन 0 to 1 या x plus t. ठीक है, दैट्स द वे ऑफ सेइंग इट, एक्सपेक्टेड टाइम स्पेंड, बट इट्स एक्चुअली एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी. ठीक है, बट जब तुम प्रोबेबिलिटी को इंटीग्रेट ऐड करते हो तुम एक्सपेक्टेड निकालता है. तो यहाँ पे क्या पढ़ रहे थे अपने? हाँ, तो ये हो गया कितने लोग मर रहे हैं, 1000 लोग स्टार्ट किए थे, 900 लोग बचे, मतलब 100 लोग मर गए, डिवाइडेड बाय 1000 कितना आ रहा है, 0.1. ठीक है, जितने लोग स्टार्टिंग में जिंदा है हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि उतने ही लोग पूरे साल जिंदा थे, एंड में जाके 100 लोग मर गए, बचे कितने, 900 लोग. तो हर एक 1000 इंसान का एक एक साल का कॉन्ट्रीब्यूशन है, हर एक 1000 इंसान का कितने साल का कॉन्ट्रीब्यूशन है, एक 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 साल का कॉन्ट्रीब्यूशन है, एंड में उसमें से आप 100 को मार दे रहे हो. दैट इज वाई द वर्ड इनिशियल रेट ऑफ मोर्टैलिटी. वाई इनिशियल? जितने लोग इनिशियली जिंदा थे आपने खाली उनको देखा, आपने माना कि भाई ये पूरे साल जिंदा हैं, आपने वो अज्यूम करा, एंड देन उसमें से कितने लोग मर रहे हैं एट द एंड, दैट इज द वर्ड इनिशियल रेट ऑफ मोर्टैलिटी. नाउ अब इसमें से कोई आदमी अगर आधा साल जिंदा है तो आइडियली उसका कॉन्ट्रीब्यूशन हमारे स्टडी में आधे साल का आना चाहिए था. दैट इज वाई द वर्ड एमएक्स में हम लोग लेते हैं पर पर्सन ईयर, नॉट पर ईयर. क्यू एक्स इज बेसिकली द प्रोबेबिलिटी ऑफ पीपल डाइंग इन दैट ईयर, इन दैट ईयर. यहां पे वी से द वर्ड पर पर्सन ईयर. पर पर्सन ईयर मतलब वो पर्सन कितने साल के लिए जिंदा था बिटवीन इन दैट पर्टिकुलर ईयर, कितने टाइम के लिए, दैट इज द वर्ड पर्सन ईयर. गॉट इट? ठीक है, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन, हाँ, इंटीजर कभी नहीं, नहीं इंटीजर ले ही नहीं रहे ना, इंटीजर बोल ही नहीं रहे, तभी हम लोग टी को 0 to 1 बोल रहे हैं. तो अब यहाँ पे मान लो इसमें आप कॉन्ट्रीब्यूशन निकालते हो हर एक इंसान का, तो ये बहुत ही सिंपल सा मैंने लिया जस्ट टू एक्सप्लेन टू यू ऑल. 1000 लोग जिंदा थे पूरे आधे साल तक, तो 1000 लोगों का आधा साल का कॉन्ट्रीब्यूशन है कितना आ रहा है, 500. फिर ये जो 950 लोग है ये आधे साल जिंदा थे, तो 950 लोगों का कितना साल का कॉन्ट्रीब्यूशन है, आधा साल, विच इज 475, विच इज 975 टोटल. गॉट इट? तो mx कैसे निकालेंगे, अगेन qx बाय इंटीग्रेशन, वो हमने लिखा है ना पूरा ऊपर जो मैंने लिखा है, कॉन्ट्रीब्यूशन इज हाउ मच, 975, which is expected time spent alive. Got it, Hemant? तो अब ऊपर में हम लोग क्या करें, qx is actually not qx, dx लिखना पड़ेगा मुझे, dx, और यहाँ पे lx plus t को इंटीग्रेट करो, तो कितना हुआ ये, 100 हो गया. अब ये कितना आ रहा है वैल्यू, एक बार बताना तो, पॉइंट हाउ मच, जीरो पॉइंट ये है. इस केस में वी आर एक्चुअली अंडर एस्टिमेटिंग क्यू एक्स के केस में. गॉट इट?
क्यूएक्स और एमएक्स इक्वल कब होगा? क्यूएक्स और एमएक्स तब इक्वल होगा जब सारे लोग पूरे पूरे साल ही जिंदा है, मतलब ये टर्म आया ही नहीं बीच में, तब वो जाके इक्वल होगा। यानी कि हम लोग बोल रहे हैं बेसिकली कि यू स्टार्टेड ऑफ विथ 1000, यहाँ पे भी 1000 लोग ही हैं, यहाँ पे सीधा हो गया 900 लोग, ठीक है, ये आप बोल रहे हो। बट जनरली व्हाट डू वी से, जनरली हम लोग क्या करें, यहाँ पे एक बार ध्यान देना प्लीज, फिर आप लोगों को टाइम दूंगी मैं लिखने का। यहाँ पे हम ये कैपिटल एल एक्स लिख रहे हैं, कैपिटल एल ये मेरा, तो और यहाँ पे स्मॉल एक्स, तो यूजुअली व्हाट डू वी से, यूजुअली वी से दैट दिस स्मॉल एल एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एल एक्स, यस और नो? दैट इज व्हाट यू हैव अंडरस्टूड फ्रॉम टू इक्वेशंस। अब नेक्स्ट देख क्या पूछ मेरे से, पूछ क्या कर रहा था, सो रहा था भाई, ये सब गलती मत करो यहाँ पे। अब देखो mx इज dx बाय कैपिटल lx विच इज dx बाय 0 से 1 lx प्लस टी dt, मैंने कर दिया है ये, फिर भी मैं दिखा लिख दे रही हूँ क्योंकि कुछ लोग होते हैं ना वियर टाइप के इंसान, मैम बताया नहीं आपने, मेरा ना रनिंग नोट्स काफी होता है, सो कीप अनदर कलर पेन और पेंसिल, साइड साइड में लिखते रहा करो, एटलीस्ट आई यूज टू डू दैट अलॉट। मेरा काफी चीज मैं ऐसे रनिंग बोलते रहती हूँ जो मैं डिक्टेट नहीं करती हूँ, ये सारी चीजें हो गई, ये सब बनाते रहा करो। अभी जब सुन रहे हो ना मेरे क्लास में तो बहुत अच्छा फीलिंग आ रहा है कि मैम बोल रही है, कुछ होते हैं ऐसे, मेरे पास 2-3 मैसेजेस आते हैं, मैम आपका आवाज ऐसे, हम लोग को नींद आ जाता है आपकी क्लास में। अब उसको शुड आई टेक इट पॉजिटिवली और नेगेटिवली, आई डोंट नो, मतलब एट द सेम टाइम दे आर अप्रिशिएटिंग माई वॉइस एंड एट द सेम टाइम दे आर सेइंग कि आपकी क्लास में नींद आता है, ठीक है, तो मतलब मैं खुश हो जाती हूँ एक तरीके से। तो ये जो मैं एडिशनली चीजें बोलती हूँ ना, इसमें अगर लिखते रहोगे तो नींद वाला फीलिंग अंदर नहीं आएगा, ठीक है। एक एग्जांपल अगर क्विकली लेना है तो ले सकते हैं, आई थिंक आप लोग बहुत स्मार्ट हो तो आप लोग को ऐसे जरूरत नहीं है, बट ठीक है, लेट्स चेक योर स्मार्टनेस ऑल्सो। इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन कैसे निकालेंगे, एक एक तरीका एक तरीका और है थोड़ा, मैं देखती हूँ आप लोगों को समझ में आते कि नहीं। 9:15 to 1, 15 to 1/4, क्या समझ आया बोल? करेक्ट, तो नहीं, ये जो नाइन, ये 1000 से 951 मतलब 50 लोग गए, यहाँ 50 लोग गए, तो 950 लोग जो हैं ये यहाँ गए ना, इसमें से कुछ 50 तो पूरे साल तो थे ये, तो 9:15 to 1 एंड सम पीपल 50, दीस 50 पीपल डाइड हियर, तो 15 to 1 point, अगर पहले की जैसा करना है तो 1000 into 1/4, 950 into 3/4, दोनों से सेम आंसर आएगा, देख लो क्या आएगा आंसर दोनों से। बेसिकली नंबर ऑफ डेथ्स तो डिस्क्रीट है ना, नंबर ऑफ डेथ्स कंटिन्यूअस नहीं हो सकता, डिस्क्रीट मतलब डिस्क्रीट लोग मर सकते हैं, 11.1% कैन नॉट डाई, तो नंबर ऑफ, बट डेथ कैन हैपन एट एनी टाइम, तो ये कॉन्ट्रीब्यूशन का कुछ भी वैल्यू आ सकता है, क्या आ रहा है? तो इस केस में QX निकाले, अगेन 100 by 1000, और MX निकाले 100 by, ठीक है,
एक और इंटरप्रिटेशन ले लेते हैं एमएक्स का, जितना एमएक्स का पढ़ रहे हैं ना एग्जाम में उतना, पर ये मतलब बहुत नहीं आता बिकॉज ये खाली इसी चैप्टर में है। इसको कोई समझा सकते ये कैसा दिख रहा है? मैंने मतलब ये लिखा है इस फॉर्म में, मतलब एक तरीके से ये वेटेड एवरेज है, जहां पे वेट्स इज योर टीपीएक्स। वेटेड एवरेज क्या होता है? ऐसे निकालते हो वेट इनटू एक्स बाय वेट, जहां पे यू आर टेकिंग एवरेज ऑफ एक्स, वेट्स आर डब्ल्यू, वेटेड एवरेज ऑफ एक्स है ना। यहाँ पे हम वेटेड एवरेज ऑफ म्यू एक्स प्लस टी कर रहे हैं, जहाँ वेट्स किसको ले रहे हैं, टीपीएक्स को ले रहे हैं। टीपीएक्स का मतलब अभी तक कितने लोग जिंदा हैं, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन। टीपीएक्स इज द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ अ लाइफ एज एक्स, उसको हम लोग एज अ वेट मान रहे हैं। अब होता क्या है, एज योर टी का वैल्यू गोज अप, योर टीपीएक्स विल गो डाउन। वेरी गुड, जैसे से एज बढ़ेगा वैसे वैसे हम लोग का टीपीएक्स कम होगा, मरने का प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगा, तो वेट्स वैसे वैसे डिक्रीज होते जाएंगे बेसिकली। ठीक है, तो लिखना एम एक्स इज अ वेटेड एवरेज। वेयर द वेट्स आर टीपीएक्स एंड वेरिएबल इज म्यू एक्स प्लस टी, वेरिएबल इज म्यू एक्स प्लस टी। एक चीज और, हमने यहाँ क्या लिखा था, एल एक्स इज ग्रेटर देन ये वाला एल एक्स, तो आइडियली एम एक्स, या फिर ऐसे लिखते हैं क्यू एक्स इज लेस देन इक्वल्स टू एम एक्स। यूजली एम एक्स सेंट्रल रेट ऑफ मोर्टैलिटी इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्यू एक्स वाई, बिकॉज डिनोमिनेटर कम है तो पूरा वैल्यू ज्यादा होगा। डन यहाँ तक? हाँ ये वाला कहाँ है? ओमेगा, ओमेगा नहीं डब्ल्यू है, वो एक्सप्लेन करने का तरीका है। ओमेगा मैंने मुझसे निकाला ही नहीं, डब्ल्यू बोला मैंने, ओमेगा बोला था, डब्ल्यू बोला था ना। मेरा हो जाता है कभी कभी, मतलब इतना फ्लो में मतलब कुछ एक दो चीज गलत निकल जाते हैं कभी। कोई बात नहीं, हम लोग की क्लास में बहुत क्रिटिसाइजिंग पीपल हैं, जो हैं वो समझ गए है ना। ऑर्डर ऑफ एच फंक्शन, थैंक यू। जिस्ट ले लो कि ओ एच होता क्या है, फिर उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बेसिकली ऐसे अगर तुम लोग इस नंबर को ऐड करोगे इन सबको, तो अप्रोक्सीमेटली 20 पॉइंट समथिंग आएगा। अब ये जो है ना पॉइंट समथिंग वाला पार्ट, दिस इज नॉट इवन 1% ऑफ द इंटायर वैल्यू, राइट? सो बहुत ही छोटा पार्ट है, क्लोज टू जीरो है, इनसिग्निफिकेंट है, तो उसको नहीं भी कंसिडर करेंगे तो चलेगा, इनसिग्निफिकेंट है। दैट इज वॉट वी टॉक अबाउट ओ एच फंक्शन। ठीक है, तो लिखना अ फंक्शन इज सेट टू बी ओ एच, अ फंक्शन इज सेट टू बी ओ एच इफ लिमिट ऑफ एच टेंस टू जीरो,
एफ एच बाय एच जीरो। बेसिकली हम लोग यहाँ देखते हैं कि भाई ये जो हमारा एफ एच है इज इट ओ एच और नॉट, हाउ विल इट बी ओ एच इफ दिस इज ट्रू। इफ दिस इज ट्रू, इफ दिस ब्लैक वाला पार्ट इज ट्रू देन इट इज ओ एच, अदरवाइज इट्स सिंपली अ फंक्शन ऑफ एच। सो एनी फंक्शन इज ओ एच then we say limit of h tends to 0, h is tending to 0, fh by h is also, मतलब h का value is tending to 0, बहुत छोटा हो रहा है, तो अगर in that case fh by h 0 हो जाए, तो आप बोलोगे वो OH function है, otherwise it's simply O, so h is decreasing towards 0, तो in that case fh is not significant, मतलब आप क्या बोल रहे हो, h is decreasing ना, it's moving to 0, in that case fh is also decreasing to zero, it's becoming insignificant. All right, so ek example aur lete hain, maan lete hain ki hum log bol rahe hain plus oh likh diya humne, to ye pura function likh rahe hain plus oh, kyu maan lete hain ye wala jo part tha wo tha x to the power 500, ab agar x tends to जीरो, इफ एक्स टेंस टू जीरो, तो ये पार्ट सोचो कितना छोटा हो जाएगा, एक्स अगर टेन टू जीरो करे तो एक्स टू दी पार 500 तो कितना ज्यादा छोटा हो जाएगा, एकदम इनसिग्निफिकेंट, तो उस पार्ट को हम लोग लिख सकते हैं कि वो ओ एच वाला पार्ट है। गॉट इट, लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, एफ एच मान लो मैंने लिखा 100h, ठीक है, तो इस केस में लिमिट h टेंस टू जीरो एफ एच बाय एच व्हिच इज, मतलब हम लोग को बताना है कि भाई ये ओ एच फंक्शन है कि नहीं, तो ये तो 100 आ रहे तो ये ओ एच हो सकता है क्या, तो ये ओ एच फंक्शन नहीं है। एक और एग्जांपल तुम लोग को कॉपी करना है, मेरा फेस मत देखो, एक और ले लो जहां पे एफ एच बोल रहे हैं एच टू दी पार 100, इसको एच बोल सकते हो बिकॉज ये तरीके से पूरा जीरो ही आ जाएगा ना, सो दिस फंक्शन इज अ ओ एच फंक्शन, बेसिकली एच टू दी पार 100 इज अ ओ एच फंक्शन। नाउ एक और चीज है, यहाँ आप लोग बोलोगे मैम ऐसे तो हर सारा ही एच टू दी पार एनीथिंग विल बी अ ओ एच फंक्शन, मान लो अगर 100 एच स्क्वायर लिख रहे हो तो वो भी एच एच कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 इंटू एच बचा जीरो हो गया, बट नहीं, तो इसीलिए ना हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ओ एच बाय डेफिनेशन कंसिडर नहीं कर सकते बिकॉज ये इनसिग्निफिकेंट नहीं होगा, अगर आप 100 इंटू एच कर रहे हो तो वो एकदम से इनसिग्निफिकेंट नहीं होगा, सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस यू आर डीलिंग विद, बाय 0.1%, 0.002%, व्हाटएवर, तो व्हाट इज द लेवल ऑफ एक्यूरेसी दैट यू नीड इन योर वर्क, व्हाट इज द लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस दैट यू नीड इन योर वर्क, उस पर डिपेंड करते हैं। यूजली फॉर वेरी हाई पावर्स ऑफ एच हम लोग उसको ओ एच कर देते हैं, बट नॉट जनरली, नॉट फॉर दीज वैल्यूज। तो अभी अब आप लोग बोलोगे मैम क्या है, देर इज नो रूल ऑफ थम कि अगर एच टू दी पार 50 होगा तो करना है, 49 होगा तो नहीं करना है, देर इज नो रूल ऑफ थम, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन जब हम लोग पढ़ेंगे हम लोग को समझ आ जाएगा ओ एच क्या है। यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ ओ एच, ठीक है, डोंट हैव टू मेक अ रूल ऑफ थम कि भाई ये होगा तो ही। फॉर एग्जाम्पल ऐसा मैंने कुछ लिख दिया तो इसको आप बोल सकते हो मैम ये ओ एच है, पर जरूरी नहीं कि हमेशा ये ओ एच होगा, इसको भी मान लो कभी कभी हम लोग बोलेंगे कि ये भी ओ एच हो गया एक्स टू दी पार 5, सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट काइंड ऑफ डेटा वी आर डीलिंग विद। गॉट इट, एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझना है ओ एच का, कॉपी कर लिया सबने, हाँ चिल्ला क्यों रहा है, चलो प्रॉपर्टीज ऑफ ओ एच लिखते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ ओ एच, बगल वाले का नींद खुल गया तुम्हारे वजह से,
पूछो उससे, उसको सो गई थी वो आधा। OH प्लस माइनस OH इज OH। अब तुम दो इनसिग्निफिकेंट टर्म्स को ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, एट द एंड वो इनसिग्निफिकेंट ही निकलेगा। ठीक है, मान लो एच टू द पावर 100 है, प्लस माइनस एच टू द पावर 500 है, इनसिग्निफिकेंट ही निकलेगा। सेकेंड, के इन टू एच, के इज अ कॉन्स्टेंट, एनी कॉन्स्टेंट मल्टीप्लाइड बाई ओ एच इज ऑल्सो अ ओ एच फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ के विच इज नॉट जीरो, बिकॉज एनी थिंग मल्टीप्लाइड बाई जीरो इज अ जीरो। पॉइजन प्रोसेस में अलग चीजें पर, पॉइजन प्रोसेस में तुमने प्रॉपर्टीज ऑफ ओ एच किया होगा आई गेस। हाँ, हम ही तो कराया था शायद, एक्चुअली वो तुम लोग के CS1 में है नहीं, बट मैंने इसे करा दिया तुम लोग को। ठीक है, मेरे हेल्प आएगा CS2 में, बट ओनली फॉर स्टूडेंट्स हु टुक CS1 फ्रॉम अस, बाकी मेरे को इसमें भी कराना पड़ेगा। लिखो, फिर भी तो तुम लोग को कितना लेट रियलाइजेशन हुआ, मिडवे आ गए फिर तुम लोग को रियलाइज हुआ। कब दिया था एग्जाम? अभी डांडिया का स्टेप्स तुमसे याद करवाए, यहाँ पे ठीक कर लेगा सारा स्टेप्स। दो दिन पहले पढ़ा हुआ चीज याद नहीं है? सारा म्यूजिक, सारा गाना, लिरिक्स सब याद है इससे, कुछ स्टेप्स करवा लो सब डांडिया का। थर्ड वाला जो है ना, इसका प्रूफ करेंगे हम लोग। हम लोग बोल रहे हैं बेसिकली, इफ थर्ड वाले में आ जाओ, ये सेकंड वाला क्लियर है ना? थर्ड वाला, इफ लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, जी एच बाय एच इज ए नॉट जीरो, सम वैल्यू ए, ए कैन बी एनी वैल्यू, देन व्हाट आर वी सेइंग दैट जी एच बाय एच इज इक्वल टू ए प्लस ओ एच बाय एच। ये जो प्रूविंग है ये हम लोग ज्यादा करके यूज करेंगे चैप्टर 2 से चैप्टर 4 5 में, जब हम लोग मार्कोव पढ़ेंगे तब हम लोग इसको ज्यादा यूज करेंगे। तो इसका प्रूफ करते हैं, चलो बहुत इजी है, 2 3 लाइन का है। वील स्टार्ट ऑफ फ्रॉम दिस पार्ट, ऑल राइट, एंड देन वील मूव टू दैट। जी एच बाय एच इक्वल्स टू ए प्लस ओ एच बाय एच हम लोग बोल रहे हैं। बोथ साइड्स टेक लिमिट एच टेंस टू जीरो, अब यहां बोलना लेफ्ट साइड आपका क्या हो गया, लिमिट एल टी भी लिखते हैं लिमिट को, LIM के जगह पे, लिमिट जी एच बाय एच इक्वल्स, पहले वाले पार्ट में तो एच का टर्म ही नहीं है तो वो बाहर है, कांस्टेंट है, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, वो बाहर आ गया। प्लस दूसरे वाले में लिमिट एच टेंस टू जीरो, ओ एच बाय एच इज जीरो, वेरी गुड। बाय डेफिनेशन, बाय डेफिनेशन ऑफ ओ एच, व्हाट डू यू से? बाई डेफिनेशन ऑफ ओ एच दिस इज जीरो, हेंस प्रूव्ड। कोई है जिसको डाउट है? ठीक है, लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, लिखो। सिर्फ 1.5 आवर्स की क्लास में तुम्हारा ये हालत है, तो 3 घंटे का क्लास होगा तो तुम क्या करेगा? कोई है यहाँ पे CM2 का स्टूडेंट? पागल, बोलना चाहिए था कि हाँ है। देख, हो गया। हाँ, क्या हो गया? कौन है ये? मैम, नंदिनी, फोर्स ऑफ मोर्टैलिटी। हाँ बोलो। ऊपर जो था उसमें ए प्लस ओ एच बाय एच, जगह ए प्लस ओ एच भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि एच टेंड टू जीरो पे तो ओ एच जीरो ही होगा, अगर अपॉन एच ना भी हो वहां पे।
कहाँ? मैम आपने जो थर्ड कंडीशन लिखवाई है देन जी एच बाई एच इक्वल्स टू ए प्लस ओ एच बाई एच, अगर वहां हाँ पे ओ एच बाई एच ना हो कि सिर्फ ओ एच हो तब भी तो वो नहीं जीरो ही है ना नहीं फिर। नहीं नहीं प्रॉपर्टी तुम्हारा क्या बोलता है? प्रॉपर्टी ये बोलता है ओ एच बाय एच बोलता है, खाली ओ एच नहीं है। मैम वो तो हमने एफ एच बाई एच लेके कंसिडर किया था कि अगर वो जीरो हो जाएगा तो वो ओ एच बन जाएगा। नहीं ये है प्रॉपर्टी, मैंने लिखा है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एच बाय एच इज जीरो देन एफ एच इज अ ओ एच फंक्शन, यस मैम। है ना? तुम समझने में गलत कर रही हो, ये आपका ओ एच फंक्शन है। तो क्या इसका ये हाँ मतलब है कि लिमिट एच टेंस टू जीरो ओ एच इज जीरो? तब तो फिर आप ऐसे बोल रहे हो कि लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एच इज ऑल्सो इक्वल टू जीरो, ये थोड़ी बोल अच्छा रहे हैं। ये ओके अंडरस्टूड। गॉट इट? क्लियर? क्लियर है? ये यस मैम डाउट क्लियर। यस रहता मैम है कुछ कुछ स्टूडेंट्स को। फोर्स ऑफ मोर्टैलिटी, सो बेसिकली ये रेट है, नॉट अ प्रोबेबिलिटी, मतलब इट्स नॉट डायमेंशनलेस। बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, सपोज म्यू एक्स, तो एट एज एक्स उसी समय उसी इंस्टेंट पे यमराज आया उठा के ले गया, इट्स लाइक दैट। ऑल राइट, सो म्यू एक्स लिखना, म्यू एक्स इज द फोर्स ऑफ, म्यू एक्स इज द फोर्स विच इज अप्लाइड, म्यू एक्स इज द फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन अ लाइफ अलाइव म्यू एक्स इज द फोर्स विच इज अप्लाइड ऑन अ लाइफ अलाइव एट एज एक्स टू चेंज द स्टेट फ्रॉम अलाइव टू डेड एट एज एक्स प्लस एच। एच बींग वेरी वेरी स्मॉल, एच ब्रैकेट में एच बींग वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है? कॉपी करो, आई जस्ट कम इन। मेरा नेक्स्ट जो पहले इस मान
चलो तो अब यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, म्यू एक्स इज बेसिकली लिमिट एच टेंस टू जीरो, एच लिमिट एच टेंस टू जीरो का मतलब एच इज वेरी 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 स्मॉल, ठीक है। तो उसको आप पूरा बोल रहे हो कि भाई वो पूरा एच एकदम टेंस टू जीरो, इट्स वेरी स्मॉल। एच क्यू एक्स इज अ इंस्टेंट प्रोबेबिलिटी कि एक्स से का इंसान एक्स प्लस एच पे मर जाएगा डिवाइडेड बाय एच। नाउ एच क्यू एक्स इज वॉट डायमेंशनलेस बिकॉज इट्स अ प्रोबेबिलिटी। एच इज वॉट अ टाइम, एच क्यू एक्स में एच टाइम है ना, तो एच इज अ टाइम, तो इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज वन बाय टाइम म्यू एक्स। तो ये म्यू एक्स का बेसिकली डायमेंशन होता है टाइम इनवर्स, पर यूनिट टाइम बोलते हैं इसीलिए इसको। ये होता क्या है, ये जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि इंसान अभी जिंदा है एक्स पे एंड एक्स प्लस एच पे ये इंसान मर गया, ये देखने में लग रहा है कि आप एक्स से एक्स प्लस एच जा रहे हो, बट नहीं, ये सब कुछ एट एन इंस्टेंट हो रहा है बिकॉज एच इज वेरी स्मॉल। ऑल राइट, तो यहाँ पे एक म्यू एक्स का हम लोग डेरिवेशन करते हैं छोटा सा। ठीक है, तो ये हो गया विच इज ऑल्सो सेम एज, ये समझ में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि टी क्यू एक्स इज वॉट टी एक्स लेस दैन इक्वल्स टू एच, ये ऊपर हमने पढ़ा था ना टी एक्स लेस दैन इक्वल टू टी, तो टी क्यू एक्स लिखा था, यहाँ पे एच क्यू एक्स है तो एच लिख दिया उसके बदले। एच टेंस टू जीरो प्रोबेबिलिटी टी लेस दैन इक्वल्स एक्स प्लस एच गिवन टी ग्रेटर दैन एक्स entire thing divided by h। इसका मीनिंग क्या है, टी लिखा है, टी एक्स नहीं लिखा है, न्यू बॉर्न, तो न्यू बॉर्न बेबी विल बी अलाइव एट टिल एक्स, क्योंकि हम लोग लिख ही रहे हैं म्यू एक्स है ना, एंड फिर एक्स प्लस एच के अंदर वो मर जाएगा। सो ये एक तरीके से क्या बोल रहे हैं, टी एक्स लेस दैन इक्वल टू एच का मीनिंग क्या है, टी एक्स लेस दैन इक्वल टू एच, टी एक्स मतलब टी एक्स तक तो जिंदा था ना, तो यहां तक वो जिंदा था, दैट इज वाई गिवन टी इज ग्रेटर देन एक्स। हाँ तो टी यहाँ जीरो नहीं है ना, यहाँ तो टी एक्स है, तो टी ग्रेटर देन एक्स मतलब आपका टी एक्स से उस तक जिंदा है और फिर उसके बाद टी ही एक्स प्लस एच से छुटा, मतलब वो इधर मर गया, ठीक है ना, ये मीनिंग हुआ इसका। ठीक है, अब जो हमने ऊपर में थर्ड प्रॉपर्टी पढ़ा था उसको यूज करते हैं, OH का जो थर्ड प्रॉपर्टी था, म्यू एक्स इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एच क्यू एक्स बाय एच, ये कॉपी हो गया सबका, ये लिखा था हमने, याद करो क्या था, लिमिट एच टेंस टू जीरो
जी एच बाय एच इक्वल्स टू ए, अगर वो है देन जी एच बाय एच इज ए प्लस ओ एच बाय एच, ये हमने लिखा था. तो यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, सिमिलरली व्हाट वी विल से, अगर ये चीज है इसको आप ए कंसिडर करो. ऊपर जाके देखना ना क्या लिखा था, लिमिट एच टेंस टू जीरो जी एच बाय एच इज इक्वल टू ए. तो कैन यू कंसिडर दिस एज ए, देन अकॉर्डिंग टू दैट व्हाट विल हैपन ओवर हियर, एच क्यू एक्स बाय एच इज इक्वल टू ए प्लस ओ एच बाय एच है, तो ए इज दिस प्लस मल्टीप्लाइंग एच ऑन बोथ साइड्स प्लस ओ एच. वेयर लिखना, वेयर एच इज वेरी स्मॉल, यू कैन राइट एच क्यू एक्स टू बी इक्वल्स टू एच इंटू म्यू एक्स, बिकॉज वी आर सेइंग ओ एच इज ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट. That is what we are saying. That is why मैंने equals to नहीं लिखा, approximately equal लिखा है, क्योंकि OH का term मैंने हटाया है, वो insignificant है. तो एकदम equal नहीं है, approximately. तो हम बोल क्या रहे हैं, HQX का meaning क्या है, person aged X dying between X and X plus H, by X plus H he is dying, which is almost equal to H multiplied by the force of mortality, H times mu X. So, जो भी फोर्स लगेगा दैट इन टू एच, दैट इज वॉट यू आर डूइंग. एक चीज और अगर मैथमेटिकली समझना है, म्यू एक्स इज डायमेंशन वन बाय टाइम, दिस इज टाइम, टाइम इन टू वन बाय टाइम कैंसिल हो गया, दिस एंटायर थिंग बिकम्स डायमेंशन लेस विच इज एच क्यू एक्स. So basically we can say, लिख लो, instantaneous measure of mortality at age x, instantaneous measure of mortality at age x is a continuous equivalent of qx, is a continuous equivalent of qx. Got it? QX. ठीक है, we'll do it till here. Instantaneous mortality rate क्या लिखा है, instantaneous measure of mortality is equivalent of, is a continuous equivalent of QX. Continuous mu X is basically equal to HQX na, so it's a continuous equivalent of QX. So here we'll end today's topic. आप लोग इसको पूरा अच्छे से रिवाइज करोगे, कल के क्लास में we'll continue from here. ठीक है, my target is, हम लोग का क्लासेस कब तक है, I think fourth या fifth तक अभी, फिर आपका गैप है ना नेक्स्ट वीक, आप लोग टाइम टेबल प्लीज अच्छे से देख के रखो. तो फिफ्थ तक हम लोग का मेरा टारगेट रहेगा चैप्टर 6-7 खत्म कराने का, इफ पॉसिबल 8 भी खत्म हो जाएगा. देन आई विल गिव यू अ सेट ऑफ रिकॉर्डिंग्स दैट यू विल हैव टू कवर फॉर दैट वीक, 6th to 10th वाला, 13th वाला जो वीक है, जो पूजा हॉलीडेज वाला वीक है, एंड उसमें आप लोग के तब लाइव लेक्चर्स होंगे ऑफ आर प्रोग्रामिंग. दिल्ली सेंटर में ऑफलाइन होगा, यहाँ पे आप लोग का लाइव होगा. ठीक है, आर बेसिक जिनका किया हुआ है, 2-3 क्लास आर बेसिक्स होगा, उनको करना है तो करो, नहीं करना है मत करो. फिर वी विल स्टार्ट विद फ्यू टॉपिक्स ऑफ CS2B. प्लीज मेक श्योर दैट यू फॉलो द टाइम टेबल एवरी डे बिफोर स्लीपिंग एट नाइट. प्लीज सी द टाइम टेबल कि कल क्या हो रहा है. ऑलराइट, कुछ इंस्टेंटली कुछ होगा तो वो तो कम्युनिकेट हो जाएगा, बट इन अभी हम लोग थोड़ा ऐसा कुछ कर रहे हैं जिससे एनी टाइम द टाइम टेबल चेंजेस, कोई भी शेड्यूल में चेंज है, आप लोग को व्हाट्सएप में नोटिफिकेशन आ जाएगा. आता है अभी, कल है क्लास 12:30. ठीक है, मैं तुम लोग शायद वो मंथ को ड्रैग करके कुछ कुछ करना पड़ेगा, कल है. ठीक है, वो नोटिफिकेशन आ जाएगा आप लोग को व्हाट्सएप में.
वी आर ट्राइंग दैट, तो वो आई थिंक विद इन अ मंथ वो चीज हो जाएगा. ऑलराइट, ठीक है, कोई डाउट है किसी को ये रिवाइज करके आना करके. और एक वीडियो मैं भेजूंगी ग्रुप में, वो आप लोग को देखना है ओरिएंटेशन का. यस कौशल, मैम आज का क्लास कब तक अपलोड हो पाएगा? हम स्टार्टिंग में थोड़ा लेट ज्वाइन किया, कल तक होगा या आज हो पाए तो ठीक है, वरना कल तक. और कल मतलब सुबह के समय हो जाएगा? लेकिन कल क्लास आने के पहले मैं देख के आ पाऊँ, ऐसा हो पाएगा? अच्छा नॉट श्योर, कैन नॉट कमिट, श्योर ठीक नहीं दे सकते, बट ट्राई करेंगे कि हो जाए. ठीक है, ठीक है नहीं ठीक हो पाया तो रिकॉर्डिंग्स में जाके चैप्टर 6 का फर्स्ट क्लास हाँ देख लेना. हाँ ठीक है अक्षी, हाँ बोलो अक्षी. मैम. जो दो टॉपिक पहले हो गया, वी हैव टू सी दैट ना, अभी मतलब आई हैव जॉइंड जस्ट द टू टॉपिक्स दैट वर डन इन दिल्ली बैच. वो आप आज के क्लास का स्टार्टिंग देख लो, मैंने उसमें समझाया है कुछ, आपको अभी करना नहीं है, जैसे जैसे करना है मैं बताऊंगी. ठीक है, आज खाली एक वीडियो मैं ग्रुप में भेजूंगी, वो देखना है कम्युनिटी में. ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच गाइज, आई विल मीट यू ऑल सून, बाय बाय.